तो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव, स्वागत है आपका गौरव कार टेक पे एक और नई वीडियो के अंदर। आज हमारे साथ है स्कोडा कुशाक मैट एडिशन। ये मैट एडिशन देख रहे हो आप, मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी है, जहां आपकी किया सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, होंडा एलिवेट, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाईराइडर आती है, उसी सेगमेंट की ये गाड़ी है। बट इसमें प्लस पॉइंट एक सबसे बड़ा है, इसने ग्लोबल एंड कैप पे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग अचीव करे हैं क्रैश टेस्ट पे। इसकी बिल्ड क्वालिटी 5 स्टार के साथ हमें मिलती है। मैट एडिशन की प्राइस की बात करूं तो दिल्ली के अंदर 17,79,000 एक्स शोरूम प्राइस पड़ते हैं इसके दिल्ली के अंदर। बाकी स्टेट वाइज प्राइस वेरी करते हैं कि कौन सी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। अपनी स्टेट का नाम आप बताएंगे तो हम आपके स्टेट के प्राइस भी आपको अवेलेबल करा देंगे। बाकी स्कोडा कुशाक इस गाड़ी का इंटीरियर मैट एडिशन में, इससे पहले हमें किया सेल्टोस मिल रही थी इस सेगमेंट के अंदर, ग्रैंड विटारा भी सुन रहे हैं आने वाली है क्योंकि ऑटो एक्सपो में उन्होंने दिखाया था, बट स्कोडा ने अपनी कुशाक मैट एडिशन के अंदर दे दी। अब इस वेरिएंट के अंदर हमें क्या क्या फीचर मिल जाते हैं तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, आगे बढ़ते हैं कि फीचर्स क्या क्या है इसमें। तो चाबी से स्टार्ट करते हैं, कुछ इस तरह की फ्लिप की मिल जाती है हमें, स्कोडा का लोगो, पीछे लॉक अनलॉक और बूट गेट अनलॉक करने के लिए। अब गाड़ी देख लेते हैं, मैट लुक में गाड़ी लग काफी अग्रेसिव रही है, काफी प्यारा लुक दे रही है। मैट में इससे पहले किया सेल्टोस मिलती थी, अब आपकी स्कोडा कुशाक भी अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं मैट एडिशन के अंदर फीचर्स क्या क्या अवेलेबल है। तो यहाँ रूफ रेस दिए हुए हैं, सनरूफ मिल जाता है आपको, यहाँ पे टू वाइपर विद वॉशर दिए हुए हैं और ऑटो वाइपर्स हैं शायद, बाकी मैं दिखा दूंगा आपको। टू वॉशर विद ऑटो वाइपर, कुछ इस तरह से बोनट भी आ जाता है। स्कोडा का लोगो, ग्रिल ब्लैक मिलेगी, सराउंडिंग गार्निश ट्रीटमेंट देखने के लिए है, नीचे लोअर ग्रिल भी मैट ब्लैक फिनिश में और सिल्वर स्किड प्लेट ट्रीटमेंट इसके अंदर दिया हुआ। यहां पे आपको गार्निश ट्रीटमेंट मिल जाएगा, ऊपर फॉग लैंप दिया हुआ है इस जगह पे हाइलोजन बेस, हेडलैंप यूनिट इसकी हमें एलईडी बेस मिलेगी, लो बीम हाई बीम के लिए प्रोजेक्टर है आपका एलईडी बेस, डीआरएल है, इंडिकेटर और डीआरएल दोनों अलग है, ये नहीं के एक साथ में दोनों काम करेंगे। यहां से फ्रंट लुक देख सकते हैं गाड़ी का। अब आ जाते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे, तो कुछ इस तरह के अलॉयज दिए हुए हैं इसमें, ग्लोसी सिल्वर कलर में, यहां क्लैडिंग का पार्ट मिलेगा, स्कोडा का लोगो है फ्रंट के दोनों फेंडर्स पे लेफ्ट और राइट पे, कुछ इस तरह के अलॉयज हैं। फ्रंट डिस्क ब्रेक्स दिए हुए हैं, 205/55/17 का टायर साइज है, 205/55/17 स्कोडा का लोगो और गार्निश ट्रीटमेंट है यहां भी काफी प्यारा। ORBM हमें इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल रिएक्टर मिलेंगे विद इंडिकेटर, इसका ए पिलर बॉडी कलर है, बी और सी ब्लैक दिए हुए हैं और ग्लोसी ब्लैक में है, इसी वजह से ये कवर करे हुए हैं। जो डोर हैंडल्स हैं वो बॉडी कलर और इंसर्ट गार्निश देखने के लिए मिलेगा आपको, यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर है, को ड्राइवर साइड भी गार्निश बीडिंग है, इस तरफ भी चारों डोर हैंडल्स पे आपको बॉडी कलर और इंसर्ट गार्निश देखने के लिए मिलेगा, ड्राइवर को ड्राइवर रिक्वेस्ट सेंसर है, लोअर पार्ट में भी डोर के क्लैडिंग का पार्ट देखने के लिए मिलेगा, रनिंग बोर्ड भी क्लैडिंग से कवर किया हुआ है, रियर ड्रम ब्रेक्स दिए हुए हैं, यहां भी क्लैडिंग है, कुछ इस तरह से एलईडी बेस टेल लैंप्स हैं, इंडिकेटर यहां पर, रिवर्स लाइट, रिफ्लेक्टर, कुशाक की बैजिंग व्हाइट नंबर प्लेट के लिए लाइट है, स्कोडा की बैजिंग की हुई है इस जगह पे, वहीं स्कोडा के लोगों के नीचे यहाँ पे आपको रिवर्स कैमरा मिल जाता है, इसमें पीछे टोटल 3 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए हुए हैं, यहां भी बीडिंग है, ये गार्निश बीडिंग आप देख रहे हो और ये ना लाइट है रिफ्लेक्टर के साथ, ये लाइट भी वर्क करेगी जो कि काफी प्यारी लग रही है देखने में, इस साइड जल रही है, ये उस साइड है लाइट दी नहीं हुई, ये पता नहीं किस वजह से क्या है ये, या तो वो बल्ब खराब हो सकता है, बाकी इस साइड लाइट दी हुई है। लोअर पार्ट भी ब्लैक देखने के लिए मिलेगा और रियर बम्पर का सिल्वर ट्रीटमेंट भी है लोअर पार्ट पे, बाकी ये लाइट एक साइड ही आती होगी, स्कोडा वगैरह में ऐसी चीज नहीं मिलती कि ये ध्यान ना दें डिस्प्ले की चीज में, हो सकता है मुझे इस चीज का ना पता होगा, आप बता देना कमेंट बॉक्स में। ये रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, स्पॉइलर दिया हुआ है, इस साइड आपका फ्यूल लेड है, गाड़ी अनलॉक है तो ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा टच करने से, और यहां से भी आप ड्राइवर साइड से भी गाड़ी का प्रोफाइल देख सकते हैं, जैसा मैंने बताया था ड्राइवर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर है और यहां आपको स्कोडा का लोगो मिलता है दोनों फ्रंट फेंडर्स पे, सिल्वर रूफ रेल्स है, ब्लैक का भी ट्रीटमेंट है, यहाँ सनरूफ है, ब्लैक शार्क फिन एंटीना दिया हुआ है। अब यहां से ड्राइवर डोर कर लेते हैं हम ओपन,
और आ जाते हैं गाड़ी के अंदर। तो यहाँ कुछ इस तरह से डुअल टोन में इसका इंटीरियर है, मैट और ब्लैक ब्लैक के अंदर। डोर ओपनर यहाँ पे है ये, और ये चारों पावर विंडो है, फ्रंट और रियर चारों पावर विंडो दी हुई है, मतलब पैसेंजर और फ्रंट की। ORBM कंट्रोल यूनिट इस जगह पे है, ये आपका ग्लास अप डाउन करने के लिए चारों विंडोज पावर हो गई, और ये चाइल्ड लॉक के लिए। ड्राइवर ट्री में हमारे सॉफ्ट टच में दिया हुआ स्पीकर, टोटल 6 स्पीकर मिल जाते हैं इसमें हमें। यहाँ वाटर बॉटल स्पेस, कुछ इस तरह से सीट्स हैं, हाइट एडजस्ट के साथ आपको ऑप्शन मिलेगा, लेदरेट सीट्स हैं ये, और वेंटिलेटेड सीट्स हैं दोनों फ्रंट की। कॉर्निंग एयरबैग्स हैं, यहाँ एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, टोटल 6 ही एयरबैग मिल जाते हैं हमें इसके अंदर। ये ऑटो वेरिएंट है, तो यहाँ ब्रेक और एक्सीलेटर, हेडलाइट हाइट एडजस्ट करने के लिए, ये हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं, ये आपका एसी वेंट, सराउंडिंग ग्लोसी ब्लैक है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। पहले तो भाई आप इंटीरियर देखो, इंटीरियर कितना प्यारा है इस गाड़ी का। मुझे इंटीरियर बहुत पसंद आता है स्कोडा की गाड़ी का, स्टेयरिंग खास तौर पे काफी अट्रैक्टिव और एक प्रीमियम फील देता है। बाकी पहले स्टेयरिंग एडजस्टमेंट देख लेते हैं हम। स्टेयरिंग एडजस्टमेंट इस जगह पे दी हुई है, स्टेयरिंग आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है। तो जैसा मैं बता रहा था, स्टेयरिंग एडजस्टमेंट तो आपको दिखा दी, लेदर रैप स्टेयरिंग है, यहाँ कुछ ब्लैक ट्रीटमेंट दिया हुआ है, थोड़ा सा टू स्पोक में स्टेयरिंग दिया हुआ है, स्कोडा का लोगो। टोटल 6 एयरबैग मिल जाते हैं इसमें हमें। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स है, यहाँ आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उससे रिलेटेड कंट्रोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे आपका वाइपर कंट्रोल्स है, पैनल शिफ्टर्स मिल जाते हैं ऑटो में अंदर आपको। यहाँ पे आपका हेडलैम्प कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल इस जगह पे दिया हुआ। क्रूज कंट्रोल स्टार्ट करने के लिए यहाँ बटन होता है स्कोडा कार्स में, मोस्टली सारी स्कोडा कार्स में यही मिलता है वैसे। बाकी कुछ इस तरह से स्टेयरिंग है, यहाँ इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है इस जगह पे जहाँ चाबी लगती है, ये कर देते हैं प्रेस। और आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हैं इसका, किस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है हमें, पूरा ही डिजिटल है। ये ऑटो वाला सिस्टम हमें ऑफ करना होगा जब ही ये आपका स्टार्ट दिखेगा ढंग से, लाइट्स ऑन करनी होंगी एक बार। हाँ, ऊपर आपके आरपीएम सारे जो अब आफ्टर मार्केट लोग इसे फीचर को अनलॉक करा रहे हैं। बाकी बीच में स्पीड मीटर है, सीट बेल्ट की नोटिफिकेशन आ रही है, इस साइड पेट्रोल गेज है, और इस साइड इंजन टेम्परेचर गेज दिया हुआ है लेफ्ट में। पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया हुआ है यहाँ पे। और भाई इसमें बटन विदाउट फंक्शंस, ये आपका किलोमीटर एवरेज वगैरह इस जगह पे शो कर रहा है, वेदर आ रहा है, ऊपर आपका टाइम आ रहा है। बाकी TPMS वगैरह ये फीचर तो इन गाड़ियों में हमें मिलते ही है। यहाँ पे ट्विटर दिए हुए हैं, स्कोडा साउंड की बैजिंग की हुई है इस जगह पे स्कोडा साउंड की। और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे डैशबोर्ड व्यू आ जाता है, बोनट व्यू भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा है, थोड़ा स्पेस यहाँ मिल जाता है डैशबोर्ड में इस जगह पे। यहाँ भी कुछ अच्छा ट्रीटमेंट है, रग्ड फील्स है, उसके नीचे ग्लोसी ब्लैक है। डिस्प्ले बड़ी कर दी है इसमें इन्होंने, इसमें हमें एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों चीजें मिल जाती है, और दोनों चीजें आपको प्लीज कनेक्ट स्मार्टफोन विद ऑटो टू USB ऑन फेयर एंड्रॉइड ऑटो USB टू पेयर एंड्रॉइड ऑटो स्टार्ट। तो अच्छा, ये USB के थ्रू आपका कनेक्ट होगा। बाकी ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए भी यहाँ पे बटन मिल जाता है आपको टच में, ये सेटिंग्स के लिए है। यहाँ पे अपना सेटिंग वगैरह जो कर सकते हैं इसकी, म्यूजिक सिस्टम की, इन्फोटेनमेंट सिस्टम की, और ऊपर यहाँ होम का बटन दिया हुआ है। है तकरीबन 10 इंच की डिस्प्ले दी हुई है, अच्छी लग रही है देखने में। यहाँ दो AC वेंट्स हैं, ये वेंटिलेटेड सीट्स के बटन है दोनों फ्रंट के, हजार लाइट के लिए, गाड़ी लॉक अनलॉक करने के लिए, ये आपका आइडल ऑन ऑफ के लिए, ये आप स्टार्ट स्टॉप सिस्टम इज एक्टिवेटेड यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पे डीएक्टिवेटेड दोनों चीजें लिखी आएंगी। ये पूरा टच पैनल दिया हुआ AC के लिए इस जगह पे, जो काफी अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ से आप टेम्परेचर कर सकते हैं, ये फैन स्पीड के लिए, और ये ऑटो AC वगैरह के लिए, ये फ्रंट और रियर डिफॉगर के लिए। इस जगह पे वायरलेस चार्जर प्लेस किया हुआ है, ये आपका वायरलेस चार्जर है। यहाँ पे दो टाइप सी चार्जिंग पॉइंट दिए हुए हैं, कुछ इस तरह का गियर लीवर है, 12 वोल्ट का आउटपुट इस जगह पे दे दिया गया है। 2 कप होल्डर्स, मैनुअल हैंड ब्रेक्स, ये आर्मरेस्ट है विद स्टोरेज और स्लाइडेबल है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग स्लाइड भी कर सकते हैं। ग्लोब बॉक्स स्टोरेज के साथ मिलेगा, और कूल्ड ग्लोब बॉक्स ऊपर। यहाँ IRBMs है, ऑटो डिमिंग IRBMs मिल जाएंगे आपको। यहाँ रीडिंग लाइट है, व्हाइट रीडिंग लाइट्स दी हुई है
दो दो, जैसे वायरलेस चार्जर पे आप देख रहे होंगे वहां तक इसकी रोशनी जा रही है। तो ये आपका रीडिंग लाइट्स हो गई इस जगह पे, और ये बीच में सनरूफ कंट्रोल हो गया। मैंने कर्टन तो इसका खोला हुआ था, अब यहाँ से आप सनरूफ भी खुलता हुआ देख सकते हैं इसका, इतना आपका सनरूफ खुलेगा। इधर वेंटीमीटर है सन वाइजर में, इधर खाली टिकट होल्डर है। हम इसका सनरूफ कर देते हैं बंद, सनग्लास होल्डर वगैरह नहीं है, वैसे ही कोई पार्ट दिया हुआ है। बाकी कर्टन आपको मैन्युअली हाथ से स्लाइड करके बंद करना होगा। लाइट कर देते हैं इसकी बंद, और चलते हैं एक बार पैसेंजर सीट्स पे। ऐसा सीरीज मोड्स भी कर देते हैं इसका ऑफ, फ्रंट तो ऑलमोस्ट पूरा कवर हो चुका, लाइट्स भी कर देते हैं ऑफ, आ जाते हैं एक बार पैसेंजर सीट्स पे। बाकी मैट लुक में गाड़ी लगे काफी प्यारी रही है देखने में। यहाँ कर्टन मिल जाते हैं आपको, जो कि कंपनी की तरफ से लगाए हुए हैं, कोई कंपनी फिटेड कर्टन नहीं है, ये शोरूम की तरफ से ऐसा सीरीज का पार्ट होगा जो कि मैग्नेटिक कर्टन इस पे होल्ड किए हुए हैं। लॉक अनलॉक करने के लिए गाड़ी, ग्लास अप डाउन करने के लिए, पैसेंजर ट्रीम आर्मरेस्ट भी है, तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, 60-40 का कॉम्बिनेशन है, बीच में आर्मरेस्ट दिया हुआ विद टू कप होल्डर्स। यहाँ भी रीडिंग लाइट दी हुई है पैसेंजर सीट के पास ऊपर। यहाँ पे एसी वेंट है, दो टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, ग्रैब हैंडल दिए हुए हैं दोनों तरफ। बाकी यहाँ से ड्राइवर फ्रंट आप देख सकते हैं। अब चलते हैं एक बार इसके बूट स्पेस पे, तो गाड़ी कर देते हैं डोर बंद। और अच्छा, ये सिर्फ अनलॉक करने के लिए है, आपको पूरी गाड़ी अनलॉक नहीं करनी, तो आप अपना बूट गेट अनलॉक कर सकते हो। पीछे पार्सल ट्रे है, ये ऐसा सीरीज का पार्ट होगा, पिलोज जो इसमें है। लाइट है कुछ इस तरह से, बूट स्पेस काफी प्यारा दिया हुआ, हैंगिंग के लिए भी यहाँ हुक्स दिए हुए हैं, 5-5 किलो का इन्होंने दोनों साइड लिखा हुआ है वेट हैंग करने के लिए। इधर आपका स्पेयर व्हील और विद टूल्स, इसको कर देते हैं बंद। ये देखिए यहाँ ये खींचने के लिए मिल जाता है, कि अगर आपको ये इस तरह से जैसा और गाड़ियों में यहाँ मिलता है हैंडल, इस गाड़ी में हाइट छोटी तो आप इसे पकड़ के इस तरह से खींच सकते हैं और अपना बूट गेट बंद कर सकते हैं। तो ये तो हो चुका पूरा फ्रंट, अब एक बार इसका इंजन कैबिनेट ओपन कर लेते हैं, वहां क्या क्या मिल जाता है हमें। तो यहाँ जैसे हम इसका बोनट ओपन करेंगे, इंसुलेशन पैडिंग वगैरह तो हमें नहीं दी हुई, यहाँ कुछ इस तरह से 1 लीटर का TSI पेट्रोल इंजन मिल जाता है हमें, जो कि 114 BHP और 178 NM का टॉर्क जनरेट करता है, 140 BHP पावर और 178 NM का टॉर्क जनरेट करता है। फ्रंट व्हील ड्राइव है, BS मैनुअल 6 गियर ट्रांसमिशन भी मिल जाता है इसमें आपको। ये हम ऑटो देख रहे हैं, BS 6 Phase 2 टर्बो चार्ज इंजन है ये। तो भाई कुछ इस तरह से आपका स्कोडा कोसाक मैट एडिशन का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, आपका गाड़ी के बारे में क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।